इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन फर्स्ट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है एडजॉइंट की। ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके, ए दिया हुआ है तो ए इंटू एडजॉइंट ए को हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट ए इंटू आई। सेकेंड, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ए रेज टू पावर एन माइनस वन। यहां पर एन क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। इफ ऑर्डर इज थ्री, ऑर्डर इज थ्री तो क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर हो जाएगा। ए हो जाएगा अपना एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट थ्री रेज टू पावर माइनस वन डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। ओके, इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे भी बोल सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए रेज टू पावर एन माइनस वन, या डिटरमिनेंट ए रेज टू पावर एन माइनस वन। ओके, थर्ड, इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन एडजॉइंट ए इंटू बी, ए बी का एडजॉइंट इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। देखो, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होते हैं? वो मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट नॉन इक्वल टू जीरो हो, वो इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहलाते हैं। वह मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट कैसा हो, नॉट इक्वल टू जीरो हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, तो इनवर्टिबल मैट्रिक्स के लिए, इनवर्टिबल मैट्रिक्स के लिए, ओके, एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए होता है। ठीक है, ओके, नाउ प्रॉपर्टीज फोर, एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए रेज टू पावर एन माइनस टू इंटू ए, दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी। ओके, अब एडजॉइंट ए का होल डिटरमिनेंट क्या होगा? डिटरमिनेंट ए रेज टू पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर। डिटरमिनेंट ए रेज टू पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको हम इसी में लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ए रेज टू पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। ओके, नाउ सिक्स, एडजॉइंट के ए इक्वल टू के रेज टू पावर एन माइनस वन एडजॉइंट ए। सेवन, एडजॉइंट ए रेज टू पावर माइनस वन, इसका मतलब क्या है? एडजॉइंट ए का इनवर्स, एडजॉइंट ए का इनवर्स, इनवर्स ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए का हमें इनवर्स निकालना है तो हम उसको डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। ओके, नेक्स्ट, इफ ए इज एन इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, एडजॉइंट और ए का ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट, यहां टी से मतलब ट्रांसपोज है। ओके, तो ए रेज टू पावर टी का एडजॉइंट इक्वल टू क्या होगा? एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज। ओके, टी को हम डैश से भी लिखते हैं तो ए डैश का एडजॉइंट इक्वल टू एडजॉइंट ए का होल डैश। नाइन, इफ ए इज सिमेट्रिक, देन एडजॉइंट ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक। यदि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स ए डैश इक्वल टू ए, इफ
A symmetric matrix, then adjoint A is also symmetric. Okay? Understood? So now example, A example, first property पर बेस है एडजॉइंट की पहली प्रॉपर्टी. इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, फाइंड ए इनटू एडजॉइंट ए. ओके, तो पहली प्रॉपर्टी पर बेस है बी है ए इनटू एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ए इनटू आई. अब हम ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे. देखो हम ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे पहले. ओके, फर्स्ट रो से एक्सपांड किया गया, इसे किससे एक्सपांड किया गया, फर्स्ट रो से. पहली रो पहले कॉलम को बंद किया तो 1 इंटू 2 2 माइनस 7 इंटू 8 56, फिर माइनस 2. दूसरी पहली रो और दूसरे कॉलम को बंद किया तो 4 इंटू 2 8 माइनस 12 प्लस 1. पहली रो तीसरे कॉलम को बंद किया 4 इंटू 7 28 माइनस 3 माइनस 54 प्लस 32 प्लस 25. ओके, तो 3 आ गया इसका डिटरमिनेंट. कितना आ गया, 3 आ गया डिटरमिनेंट. अब हमें पता है a इनटू एडजॉइंट a क्या होगा, ये फार्मूला है अपना a इनटू एडजॉइंट a का. डिटरमिनेंट a इनटू i, ये i है अपना, मल्टीप्लाई कर दिया तो अपना क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया. तो पहली प्रॉपर्टी का यूज करके हम कैसे पहली प्रॉपर्टी का यूज करके करेंगे, इस एग्जांपल में यह बताया गया है. ओके, नाउ एग्जांपल सेट. एग्जाम्पल सेकेंड बेस्ड ऑन द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट. इफ ए इज एन इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए. देखो बी है, यहाँ हमें पता है फार्मूला होता है एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ए रेज टू पावर एन माइनस 1. यहाँ पर n 3 दिया हुआ है और डिटरमिनेंट a कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है. डिटरमिनेंट a 5 दिया हुआ है. अब इसमें हम फार्मूले में रख देंगे वैल्यू. एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट 5 रेज टू पावर 3 माइनस 1, तो 5 स्क्वायर इक्वल टू 25. अब ये प्रॉपर्टी यदि आपको पता नहीं है तो आप कैसे करेंगे, फिर से पहले नहीं कर सकते हम, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके ही एग्जाम्पल या सम को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ओके, ए इक्वल टू मैट्रिक्स 3 4 2 1, फाइंड एडजॉइंट एडजॉइंट. ओके, इन एग्जाम्पल प्रॉपर्टी 4 पर बेस है एडजॉइंट एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट रेज टू पावर एन माइनस 2 इंटू ए. तो इस एग्जाम्पल में एन कितना है, 2 है. डिटरमिनेंट ए निकालेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2 3 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 5. नाउ एडजॉइंट एडजॉइंट ए की डिटरमिनेंट का वैल्यू माइनस 5 रखा, एन 2 है तो 2 माइनस 2 और ए. ओके, अब 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 5 पर 0 की पावर जाएगी तो वो 1 हो जाएगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रॉपर्टी 5 पर बेस है. ओके, एडजॉइंट एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ए होल रेज टू पावर एन माइनस 1 का होल स्क्वायर. एन कितना है यहाँ पर, 3 है. हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसको हम थर्ड कॉलम से क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे. किससे करेंगे, थर्ड कॉलम से एक्सपांड. ओके, ये तो 0 ये 0 हो जाएगा, इसको बंद किया इसको बंद किया तो 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4 3 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 5. डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5 आ गई. अब हम इस फार्मूले में रख देंगे एडजॉइंट एडजॉइंट एडजॉइंट. ओके, डिटरमिनेंट माइनस 5, एन 3 है, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5, 3 माइनस 1 2 2 का होल स्क्वायर 4, सो माइनस 5 रेज टू पावर 4, सो दिस इज 6 25, दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज बेस्ड ऑन सेवंथ प्रॉपर्टी. इफ
मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3213 फाइंड एडजॉइंट ए का इनवर्स बी है। एडजॉइंट ए का इनवर्स इक्वल टू ए अपॉन डिटरमिनेंट, ये होता है प्रॉपर्टी 7 के आधार पर। ओके, अब एडजॉइंट ए निकाल, इसका हम डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट 3 × 3 माइनस 1 × 2, सो दिस इज 7। सो एडजॉइंट ए का इनवर्स फॉर्मूले में रख देंगे, एडजॉइंट ए का इनवर्स इस फॉर्मूले में रखेंगे तो जो 1 अपॉन डिटरमिनेंट हो गया इनटू ए। ओके, सो दिस इज 1 अपॉन 7 ए, दिस इज आवर आंसर। ओके, अंडरस्टूड?